अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा? क्या भारतीय सेना चीन से निपटने के लिए तैयार है? क्योंकि चीन युद्ध के नाम पर बार बार प्रोपेगेंडा कर रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं कि ताकत के मामले में चीन और भारत कहां ठहरते हैं। क्या चीन को सबक सिखाने के लिए युद्ध जरूरी है? क्या चीन जानबूझकर भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा है? क्या वाकई भारत चीन युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है? पिछले 5 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत और चीन में विवाद इतना बढ़ गया है कि नौबत युद्ध की आ गई है। '62 की जंग के बाद चीन सीमा पर शांति ही रही, लेकिन करीब 55 साल बाद शांति अशांति में बदल चुकी है। चीन की विस्तारवादी नीति की वजह से भारत के साथ हालात जंग से हो गए हैं। चीन की सरकार, चीन की मीडिया सब एक साथ युद्ध की धमकी दे रहे हैं। China's military might greatly outweighs that of India. The India army is no match for the PLA. ग्लोबल टाइम्स ने तो यहाँ तक लिखा है कि भारत इस भ्रम में न रहे कि चीन के एयरफोर्स के पास तिब्बत में पर्याप्त एयरबेस नहीं है। सबको पता है कि तिब्बत रीजन में चीन के पास 5 बड़े एयरपोर्ट हैं। एक एयरपोर्ट तो डोकलाम से सिर्फ 1000 किलोमीटर की दूरी पर ही है। यानी चीन अपनी फौजी ताकत का डंका पीट रहा है। सवाल ये है कि अगर युद्ध हुआ तो चीन से निपटने के लिए भारत की तैयारी क्या है? ताकत के मामले में दोनों देश कहां ठहरते हैं? जमीनी सच्चाई देखें तो चीन के पास 22,60,000 सैनिक हैं और भारत के पास देखिए सैनिकों की संख्या है 13,62,500। चीन के पास है 6,457 टैंक, भारत के पास चीन से कम 4,426 टैंक ही है। वहीं बड़ी तोपों की अगर बात की जाए तो चीन के पास है करीब 6,246, भारत इस मामले में चीन से आगे है। भारत के पास 7,414 बड़ी तोपें हैं। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको हवा में कौन कितना मजबूत, ये देख लीजिए। चीन के पास है 2,955 एयरक्राफ्ट, भारत के पास 2,102 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन चीन के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जबकि भारत के पास है 3 एयरक्राफ्ट कैरियर। और समंदर की अगर बात की जाए तो फिर चीन के पास करीब 283 युद्धपोत हैं, भारत के पास 66 युद्धपोत हैं। चीन के पास पनडुब्बियां 68 हैं, भारत पनडुब्बियों के मामले में भारत के पास 15 पनडुब्बियां हैं। चीन के पास मौजूद है DF-41 मिसाइल, मारक क्षमता है उसकी 12,000 किलोमीटर तक की। और अगर मिसाइल की बात की जाए तो भारत के पास सबसे दूर तक मार करने वाला अग्नि 5 मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता है 5,000 किलोमीटर की। वैसे चीन को यह नहीं भूलना चाहिए कि वक्त अब बदल चुका है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक चीन दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के मामले में नंबर 3 पर है और उससे ठीक नीचे 4th पर भारत है। यानी साफ है कि चीन को अब भारत को 1962 वाला भारत समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी भारत ने गहरी पैठ बना ली है। इसकी झलक डोकलाम विवाद पर भारत को मिल रहे दूसरे देशों के समर्थन से साफ जाहिर हो जाती है। अगर भारत और चीन का युद्ध हुआ तो भारत के साथ कौन कौन सा देश खड़ा होगा, पहले आप ये देख लीजिए। जापान भारत का खुलकर समर्थन कर चुका है, यानी वो भारत के साथ है। सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका पहले से ही भारत के साथ है। अमेरिका बातचीत की वकालत कर रहा है लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि डोकलाम में भूटान के पक्ष में भारत का खड़ा होना गलत है। और चीन और अमेरिका के रिश्ते भी तनातनी वाले ही हैं। इसके अलावा एक और महाशक्ति रूस भी भारत के साथ ही खड़ा है क्योंकि दोनों पुराने दोस्त हैं और रूस के हथियारों का भारत बड़ा बाजार है, बड़ा खरीदार है। भूटान भी भारत के साथ है,
इसके अलावा भारत के पक्ष में बहुत बड़ा समर्थन है यूरोपियन यूनियन के देशों का, जिसमें 28 देश शामिल हैं। इनमें जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, स्पेन भी है, इटली भी शामिल है। और अब चीन के साथ देख लीजिए कौन कौन से देश हैं। चीन के साथ पाकिस्तान है, जो भारत का पुराना दुश्मन है। चीन नॉर्थ कोरिया वाले किम जोंग को भी अपना दोस्त मान रहा है। इसके अलावा लाइबेरिया और सूडान जैसे छोटे देश चीन के साथ हैं। दरअसल डोकलाम विवाद पर ब्रिटेन का रुख साफ नहीं, नेपाल, बांग्लादेश और सऊदी अरब का रुख भी इस मुद्दे पर साफ नहीं है। तो कुल मिलाकर चीन एक तरह से अलग थलग पड़ता जा रहा है। चीन को भी ये बात मालूम है, इसलिए वो भारत को लगातार उकसा रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो भारत की छवि पर सवाल उठा सके। लेकिन भारत की ओर से चीन की उग्रता का जवाब बेहद संयमित और संतुलित तरीके से दिया जा रहा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।